सूर्य भारती करने सुनिए 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 ये पहलवान कहाँ से आए आप? मैं हूँ गोरखपुर से, किराए पे। गोरखपुर से आई हैं, किराए पे रहती हैं दिल्ली में या गुड़गांव में? नहीं, दिल्ली में नजफगढ़ के आगे रहती हूँ। दिल्ली में नजफगढ़ के आगे रहती हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, ये एम्स हॉस्पिटल से यहाँ आई शनिधाम में। एम्स हॉस्पिटल, इनको ट्यूमर बताया था, कहाँ बताया था ट्यूमर? सर में बोला कि सर में ट्यूमर बताया, फिर बोला कि पक गया है, जल्दी से ऑपरेशन नहीं कराओगे? बोला कि पक गया है, जल्दी से ऑपरेशन कराइए। सुनिए सुनिए सुनिए, नरेंद्र मोदी जी सुनिए, एम्स के डॉक्टर क्या कहते हैं, ब्रेन में ट्यूमर है, पक गया है, जल्दी से ऑपरेशन कराइए। सुनिए सुनिए सुनिए, भगवान के नाम की महिमा सुनिए, शनिदेव महाराज के नाम की महिमा सुनिए। फिर उसके बाद सब कुछ हुआ, ब्लड जमा कर दिए, मम्मी रोने लगी, फिर उससे मम्मी रोने लगी, ब्लड जमा कर दिए। हाँ, सब कुछ हो गया था, मरने के कगार पर पहुंच गए थे, ऑपरेशन के लिए तैयार हो गई थी, ब्लड भी जमा हो गया था, सब कुछ। हाँ, ब्लड भी जमा हो गया, चार बोतल। उसके बाद वहाँ से हम चले आए। क्यों चले आए? मम्मी कहीं दिखाई तो उसे मम्मी कहीं दिखाई तो क्या बताया, कुछ है? हाँ, फिर एक महीना रुका था तो उसी में हम रुक गए, फिर ऐसे ही होने लगा, फिर ऐसे ही होने लगा, फिर दिल्ली आई, पता चला फिर ट्यूमर बढ़ गया। नहीं, फिर प्राइवेट में हॉस्पिटल में गए वहाँ। ए भाई सुनिए सुनिए सुनिए, इसलिए तो कह रहा था सुनिए, वहाँ हॉस्पिटल में फिर गए प्राइवेट। बंद में करिए उस पंखे को। वो भी हमारा शुरू से लेके 14 साल में 18-19 लाख रुपए लगा है। शुरू से लेके 14 साल में 19 लाख रुपए लगा है पूरा। फिर प्राइवेट में गए, फिर प्राइवेट वालों ने क्या बोला? प्राइवेट वाला बोला कि इन्हें दौड़ा पड़ता है, मिर्गी आती है, दौड़ा पड़ता है, मिर्गी आती है। ब्रेन का ट्यूमर कहाँ गया? ट्यूमर हम कहा हमारा आज 5-7 साल हो गया, वो कहा 3 ही महीने में मर जाएगी, मगर उन्होंने कहा 3 महीने में मर जाएगी, 5-7 साल हो गया। हाँ, कुछ भी नहीं, ये आती भी मेरे पास बहुत दिन से है। हाँ, 8 महीने। कितने दिनों से आती है? 8 महीने हो गया। 8 महीने से आती है। सुनिए सुनिए सुनिए, ट्यूमर कहाँ गया? सुनिए, दर्द एकदम गायब हो गया सर का, दर्द गायब हो गया, सर का फूलना गायब हो गया, सर में जो नरमी आई थी, हाथ लगाने से भी दर्द होता था, सब गायब हो गया। हाजिरी सुनिए सुनिए सुनिए, हाजिरी भी गायब हो गई। नरेंद्र मोदी जी सुनिए, आपके एम्स का कमाल सुनिए, एम्स के डॉक्टरों का कमाल सुनिए, उसके बाद आपके देश के प्राइवेट हॉस्पिटलों का हाल सुनिए, उनका कमाल सुनिए। ये डॉक्टरवा कौन था? ससुरे का नहीं पेपर नहीं फाड़ा तूने? फाड़ के यहाँ आने से पहले मैं जरा दी, सारा गुस्से में जरा दिया, गुस्से में। हाँ, सब जला। क्या बोली डॉक्टरों को? कितनी गाली दी आपने? मैं हमेशा सुनिए सुनिए सुनिए, नरेंद्र मोदी जी हमेशा आपके डॉक्टरों को कितनी गाली सारी धाम में पड़ रही है, और कौन सा वो ब्रेन ट्यूमर ठीक कर रहे हैं, सुनिए। अगर उनके चक्कर में ऑपरेशन करा लेती, 3 बच्चे 7 साल का छोटा है, वो भी मेरे 3 बच्चे बर्बाद हो जाते, मेरा कोई है ही नहीं, बस हम पति। ऑपरेशन में ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन में लोगों को मार भी दिया जाता है। सुनिए सुनिए सुनिए, क्योंकि नेगेटिविटी का परिणाम सुनिए, निगेटिविटी थी तो डॉक्टरों ने बता दिया आपको ब्रेन ट्यूमर है। सुनिए, ये ब्रेन ट्यूमर की दूसरी मरीज है जो मेरे पास गवाह है। सुनिए, ब्रेन ट्यूमर 2 का ठीक हो चुका है शनिधाम में बिल्कुल, और किसी तीसरे का भी हुआ हो तो गनीमत नहीं, क्योंकि बहुत सारे केस मैं भूल चुका हूँ, लाखों लोगों को ठीक करके हम भूल चुके हैं कि वो ठीक यहाँ से होके गए हैं। 4 साल में दौड़े का, 3 साल बोला, 4 साल दौड़े का भी दवा, 4 साल दौड़े का भी दवा खाया, कुछ भी फर्क नहीं हुआ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मैं ज्वाला नहीं आपके एम्स का, नरेंद्र मोदी जी 5 और खोल दिया आपने ऐसे एम्स, उन 5 एम्स में क्या कमाल होगा दुनिया देख लेगी, मनु भैया के यहाँ क्या कमाल होता है भगवान के नाम से, इसको संसार देख रहा है। सुनिए सुनिए सुनिए, ठगों का कारनामा, ठगों ने बहन को बीमारी बता दी। मैं सोखा के पास, सोनो सोखा के पास गई, किसी यहाँ नहीं फर्क, तो मुझे आराम लगा नहीं है, डॉक्टरों की ठगी है लगा, जब मैं हुआ तो मुझे मेरा 100 से ज्यादा ओझा पोसा के पास गई, कोई नहीं बचा पाया, कोई नहीं बचा पाया, 20 दिन, कोई 50,000, कोई 30,000, कोई 50,000, कोई 30,000, कोई 40,000, कोई ओझा सोखा नहीं, मुझे आराम यहाँ फ्री में हुआ है, आराम यहाँ फ्री में हो गया। हम एक सुनिए सुनिए, नरेंद्र मोदी जी शर्म आए तो थोड़ी सी सुनिए, शर्म आए तो थोड़ी सी सुनिए, आपके देश का नागरिक निगेटिविटी से परेशान है, प्रेत और पितृ दोष से परेशान है, आप एम्स खोल दिए प्रेतों को मारने के लिए, और माफ कीजिएगा, आपके किसी भी एम्स में ना प्रेत मरेगा ना पितृ जाएगा और ना निगेटिविटी खत्म होगी। सुनिए नरेंद्र मोदी जी,
ये तो बड़ा गुनाह हो गया आपसे। ऐसे ऐसे डॉक्टर वह हिंदुस्तान में आ गए हैं कि बिना बात के ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कर रहे थे, खून भी जमा कर लिया था। वो आपके एम्स में हो रहा था, ये एम्स कहाँ वाला है? दिल्ली में। दिल्ली वाले जो जो सफदरजंग है, दिल्ली वाले सफदरजंग हॉस्पिटल के एम्स में, वो डॉक्टर का नाम याद आता है थोड़ा थोड़ा? नहीं, अपने पति को लेके आएंगे तब, अभी आशीर्वाद लेने आए थे तो हम पति को लेके आएंगे तब बताएंगे। हाँ, आशीर्वाद लेने आए हैं। अगर नहीं बताते मेरा पास यहाँ आते नहीं, पांच परिवार मेरा चला जाता, क्योंकि पांच परिवार चला जाता। तीन बच्चे और हम जहर खाने के लिए, तीन बच्चे और ये जहर खाने के लिए तैयार थे। दुख से शनिदेव महाराज का वो कलयुग में न्याय करने के लिए तैयार है। सुनिए 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 नरेंद्र मोदी जी, सुनिए, आपके एक हॉस्पिटल ने इतना बड़ा कमाल किया है तो जो पांच एम्स खोले हैं वो कितना बड़ा कमाल करेंगे? वो तो बर्बाद। सुनिए, डॉक्टरों की कारस्तानी, आपकी ठगाई लुटाई, ठीक है, देखिए क्या बता दिया, रोग क्या था, और इसलिए रोग को ठीक नहीं कर पाए हैं। और रोग किसने ठीक किया? शनिदेव महाराज के शनि धाम ने। फ्री में हुआ है हमारा, पैसे फ्री में हुआ है, सब कुछ हमारा यहीं से हुआ है, पैसा लगा नहीं है। ब्रेन का कोई ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ? ब्रेन का कोई ऑपरेशन हुआ नहीं? कुछ भी नहीं हुआ, नहीं हुआ। सुनिए, थोड़ी शर्म आए तो भारत के प्रधानमंत्री जी, सुनिए, ऐसे भी दो हॉस्पिटल वहाँ खोल दीजिए जहाँ निगेटिविटी का प्रॉपर इलाज हो सके, लोगों को राहत मिल सके। कौन कौन चाहता है ऐसे हॉस्पिटल खुलने चाहिए? कौन कौन चाहता है ऐसे हॉस्पिटल खुलने चाहिए? ऐसे हॉस्पिटल खुलने चाहिए, कौन कौन चाहता है? सुनिए नरेंद्र मोदी जी, एक साल में 3 लाख लोगों से हाथ उठवा देंगे और पूरे भारतवर्ष में घूम के 20 करोड़ लोगों से हाथ उठवा देंगे कि ऐसा भी हॉस्पिटल होना चाहिए। शनिदेव महाराज की जय। जय शनिदेव। जय शनिदेव। कभी सपने में देखा? अभी सपने नहीं आया। सपने में देखा कभी मनु भैया को? नहीं, गौतम भैया का एक दिन सपना आया। एक दिन गौतम भैया का सपना आया था। क्या कर रहा था पगला? वो तो झोड़ में नहाता है सपने में। बस वही सपने में आए, आपका सपने और अभी वो सपने में आए, झोड़ में नहा रहा था ना? सही बताइए ईमानदारी, पानी में कूद रहा था ना, पानी में नहा रहा था ना? याद नहीं है। नहीं नहीं याद नहीं, वो वही नहा रहा था और क्या। बस आपके सपने याद कर रहे, हमें भी जल्दी। जय शनिदेव। जय शनिदेव। जय जय शनिदेव। जय शनिदेव। जय शनिदेव।